हाँ जी स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक डेसिमल। चैप्टर नंबर 9 है बेटा ये, तो हम डेसिमल को डिस्कस करते हैं। डेसिमल क्या होता है बेटा? जैसे आपको पता है कि कोई भी नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास मैथ्स के कौन कौन से नंबर हैं, हमारे पास नंबर हैं जैसे 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं। बट कुछ नंबर ऐसे भी तो होते हैं ना बेटा, ये सारे नंबर क्या है, 1 से बढ़ रहे हैं, 7, 8 सभी 1 से बड़े हैं। पर कुछ नंबर ऐसे भी तो होंगे ना बेटा जो 1 से छोटे होंगे। 1 से छोटे क्या होते हैं, जैसे हाफ, आधा बोलते हैं जिसको हम, हाफ होता है, और भी कितने, 4/10, 5/100, ये सारे नंबर क्या होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। कुछ ऐसे नंबर जो 1 से छोटे होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन होता है जैसे कि अगर हमने 5/100 लिख दिया, एक न्यूमिनेटर ले लिया, एक डिनोमिनेटर ले लिया, और ऐसे हमने उसको प्रेजेंट कर दिया, तो इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ जाता है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन किस लिए यूज होती है, फ्रैक्शन यूज होती है 1 से छोटे नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से ही इसका नाम है फ्रैक्शन। इसी तरह से 1 से छोटे नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए एक और फॉर्म का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। अब आपको 1, 2, 3, 4 तो पता है कि ये तो नंबर वैसे हर कोई प्रेजेंट कर देता है, बट 1 से छोटे नंबरों को प्रेजेंट करने के 2 मेथड और हैं। एक को फ्रैक्शन बोलते हैं, दूसरे को डेसिमल बोलते हैं। ये हम जैसे कि फ्रैक्शन में है तो 5/100 है, अब इसी 5/100 को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, होगा ये वही वाला 5/100 ही, बट इसका जो है वो फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो इसलिए 1 से छोटे नंबरों को प्रेजेंट करने के लिए जो हम एक फॉर्म यूज करते हैं उसको डेसिमल कहते हैं बेटा। डेसिमल को पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे ये जो एक छोटा सा पॉइंट है इसको भी डेसिमल बोलते हैं। 4/10 अगर लिखते हैं तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब इसी को ही हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, कि 4/10, तो 10 में कितनी जीरोस नजर आ रही है आपको, 1, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो 4 लिख के और उसके आगे एक पॉइंट लगा देना है ऐसे। अगर 1 0 है तो एक अक्षर पहले पॉइंट लगा देना, ये खुद ही 1 अक्षर है तो 1 अक्षर पहले पॉइंट लगा देना है आपने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 42/10 हो, तो आपने क्या करना है, ये तो होगी फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, बट अगर हमने इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 42 हमने एज इट इज लिख लिया, नीचे 1 0 है ना, तो हमने पीछे से 1 अक्षर पहले, जितनी जीरोज हो उतने अक्षर पहले पॉइंट लगा देना, ठीक है। जैसे अब आपको मैं और बता देती हूँ, जैसे आप देखिए हमारे पास 4, 4, 3, 2/100 आ गया, ये तो होगी फ्रैक्शनल फॉर्म हमारे पास। फ्रैक्शनल फॉर्म से हमने डेसिमल फॉर्म में कैसे आना है, नीचे कितनी जीरोज हैं बेटा, 2, तो जितनी जीरोज हो पीछे से उतने हमने डिजिट काउंट कर लेने हैं, 1 और 2, क्योंकि 2 जीरोज हैं, 1 और 2, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो ये इस फ्रैक्शनल फॉर्म की ये वाली कौन सी फॉर्म होगी, डेसिमल फॉर्म होगी। जितनी जीरोज उतने पीछे से हमने डिजिट काउंट करने हैं और उससे पहले पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर 1 0 थी तो बेटा हमने 1 अक्षर या 1 डिजिट देखा, उससे पहले पॉइंट लगा दिया। यहाँ 2 0 थी तो हमने पीछे से 2 डिजिट उठाए और उससे पहले पॉइंट लगा दिया। ये जीरोज डिसाइड करेंगे कि हमने पीछे से काउंटिंग कितने अक्षर के बाद, यानी कि कितने अक्षर से पहले पॉइंट लगाने। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे हो 4, 2, 3/100 हो, है ना, तो अब हम इसकी डेसिमल फॉर्म कैसे बनाएंगे बेटा, 4, 2, 3 एज इट इज लिख लेंगे, नीचे से कितनी जीरोज हैं, 1 और 2, पीछे से गिने 1, 2, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। जीरोज जितनी जीरोज उतने पीछे से डिजिट गिने और उसके बाद इससे पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। जितनी जीरोज उतनी पीछे से डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। जैसे बेटा हम हमारे पास 400 है तो हम उसको 400 बोलते हैं ना ऐसे, बट अगर आपके पास 400s THS आ जाए, ध्यान दीजिए ये 100 है तो ऐसे लिखते हैं, अगर 400th हो जाए तो इसका मतलब है 4/100, 4 के नीचे 100 लगेगा। जब THS लग जाता है ना तो जो 4 है वो तो हमने ऊपर लगा दिया, पर अगर THS है तो हमने नीचे 100 लगा देना है। नीचे 100 लगा के
4 बाय 100 न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसकी हमने डेसिमल फॉर्म बनानी हो तो हम क्या करेंगे, 4 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है 4 लिख लिया, बट यहाँ पर कितनी जीरोज हैं, दो जीरोज हैं, तो हमें तो दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। 4 तो अकेला एक ही डिजिट है, तो एक जीरो हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि यहाँ पर दो डिजिट बन जाए, क्योंकि हमें दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। तो 4 जीरो लगा दिया, 1 2, और यहां हमने पॉइंट लगा दिया। अगर यहां पर पहले दो हो, जैसे देखिए 42 में 2 डिजिट थे ना, देखिए 42 में 2 डिजिट थे, तो हमें 2 डिजिट से पहले नीचे दो ही जीरोस थी, तो 2 डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा दिया, हमें कोई जीरो नहीं लगानी पड़ी। बट यहां पर 4 अकेला है, हमने लगाने हैं दो डिजिट से पहले पॉइंट, तो हमें 4 को एक जीरो पहले इंट्रोड्यूस कर देना है ताकि यहां पर दो डिजिट बन जाए और यहां पर हम पॉइंट लगा दें। बेटा एक बात आपने और नोट करनी है कि अगर आपके पास 0.4 है ना, तो आप इसको 0.4 भी लिख सकते हो। पॉइंट से पहले अगर हम जीरो लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0.4 को 0.4, 0.2 को 0.2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसी इसी तरह से बेटा अगर 400th है तो 4/100 होता है, अगर 410th है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। आपने पीछे THS लिख दिया तो 410 का मतलब क्या होएगा, 10th का मतलब 4/10, THS का मतलब होता है कि बाय 10 लगा दो, 100 के साथ लगा तो नीचे 100 लगाना है। अब ये क्या एक ही जीरो है और हमने ऊपर वाले एक ही डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास एक डिजिट तो है ही है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये बन गई डेसिमल फॉर्म, चाहे इसको आप 0.4 लिखिए। अब देखिए 462,000, अगर थाउजेंड्स भी आ जाता है तो 462 हमने ऊपर लगा दिया, अब थाउजेंड्स है तो हमने 1000 नीचे लगा देना है। अब ये कितने जीरोज हैं बेटा, 3, 1, 2, 3, तो हमने ऊपर वाले के 3 डिजिट काउंट करने हैं, 1, 2, 3, और उससे पहले पॉइंट लगा देना है। जितनी जीरोज हैं उससे पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो इस पॉइंट वाली फॉर्म को बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है राइट इन डेसिमल, आपके क्वेश्चंस हैं राइट इन डेसिमल, जैसे हमारे पास 3/10 है तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे बेटा, तो नीचे एक जीरो है, ऊपर वाला डिजिट लिया एक जीरो है, तो बस एक ही डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है आपने। आप इसको 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जैसे 88/100 है, 88/100 है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में दो जीरोज है ना बेटा, तो पहले तो आपने ऊपर वाला लिख लेना है, दो जीरोज हैं तो मतलब टू डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा, जीरो हम वैसे ही लगा सकते हैं, दिस इज योर आंसर। अब जैसे हमारे पास कुछ है 3/3 and 11/100, अब ये 3 तो 1 से बड़ा है ना बेटा, तो इसके लिए तो हमने डेसिमल यूज नहीं करना, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा। ये 11/100 के लिए हमने डेसिमल फॉर्म बनानी है, 11/100 होता तो हम क्या करते बेटा, ऊपर दो डिजिट या नीचे दो जीरोज है ना, तो हमने दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 11/100 की जगह हम 0.11 भी लिख सकते हैं। तो इसको ये 3 तो हमने एज इट इज लगा दिया, इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया 0.11। बेटा इसको बोलते कैसे हैं, 3.11, इसको 11 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल के डिजिट होते हैं उनको सिंगल सिंगल बोलते हैं, 1.1, ठीक है, 0.88 नहीं बोलना, 0.88 नहीं बोलते, 0.88 या डेसिमल 88 बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऐसा आ जाता है तो अपने पहले वाले डिजिट को वैसे ही रखना है, पीछे वाले को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देना है, ओके। अब जैसे हमारे पास कुछ कोई और है, जैसे आपका ये वाला सम है 115/166/1000, ठीक है, अब ये है, तो अब इसको तो हम पूरा एज इट इज ही रख लेंगे। इसमें क्या है बेटा, हमारे पास 3 जीरोज है ना नीचे, तो हमने ऊपर 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना है, तो 6, 6, 1, 1, 2, 3, और यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये सारे सम कंप्लीट कर लेने हैं। ये 400th है बेटा, तो 400th को हम कैसे लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया, इसको हम लिखते हैं 4/100, ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। अब इसके हमने तो डेसिमल में चेंज करना है ना, तो हमें दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। 600th, तो 6 बाय कितना आ जाएगा, 100,
इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, टू जीरोज हैं तो टू डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है हमने, टू जीरोज हैं तो टू डिजिट से पहले, पर ऊपर तो एक ही डिजिट है इसलिए हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा और फिर पॉइंट लगाएंगे। नाइन टेंथ तो नाइन बाय टेन, तो इसमें तो एक ही जीरो है और एक ही डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है तो ये बन जाएगा, चाहे इसको आप 0.9 लिख लें। 22,000 वन टू थ्री, अब ये इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी बेटा, 1, 2, 3, हमें 3 डिजिट चाहिए ऊपर, बट हमारे पास तो 2 ही है तो हमने एक जीरो इंट्रोड्यूस कर लिया और ये आ जाएगा। इसमें क्या, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग टर्म, 1.02, 1.03, 1.04, तो इसको क्या लिख देंगे, 1. आगे लिख देने हैं बेटे, आगे ये कैसे चलेगा, 1.07, 1.08 इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। अब 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, इस तरह से बेटा आपने ये कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। ये तो इजी है। और ये वाला बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राइट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, जो अभी मैंने आपको करवाया 6/10 वाला, उसके बाद इसकी डेसिमल फॉर्म बना देनी है 2200, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहले फ्रैक्शनल भी शो करनी है फिर डेसिमल में शो करना है, इसमें उसने कहा नहीं था कि फ्रैक्शनल में चेंज करो पहले और डेसिमल, पर हमने अपनी हेल्प के लिए पहले फ्रैक्शनल में लिखा फिर उसको डेसिमल में लिखा, बट वो वाला जो फोर्थ सम है उसमें आपको ये वाली भी जरूर शो करनी पड़ेगी। थैंक यू।